जय हिंद दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग बात करेंगे एक नए लीक की तरफ से, जो कि है एनवीडिया के एक बिल्कुल नए ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर। नाउ अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है। हाउएवर जो बेंचमार्क्स एंड जो स्पेकुलेशन है उसके हिसाब से ये एक नया जी फोर्स RTX कार्ड है, जो कि RTX 2070 एंड RTX 2080 के बीच में आएगा। बिकॉज उसके बीच का प्राइस डिफरेंस इतना ज्यादा है कि उसके बीच में एक नए कार्ड के आने की जगह है। एंड जो बेंचमार्क्स लीक हुए हैं उसमें भी यही चीज एस्टैब्लिश होता है। एंड इसके अलावा गाइज, अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले तुम लोगों को पता चल सके। फिर मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube ऐप एंड नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम टेक ट्यूब लाइट। पीसी मास्टर रेस इंडिया यूट्यूब चैनल के लिए एंट्रीज ओपन है। कैसे पार्ट लेना है? बहुत सिंपल है। मेरे वेबसाइट पे यानी www.techtubelight.in पे मैंने एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। वहां जाके सिर्फ 5 मिनट में डिटेल्स भर दो एंड दैट्स इट। आपको अपने सेटअप के मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10 फोटोज खींच के भेजने हैं, जो कि आप डायरेक्टली मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद CPU-Z ओपन करके CPU इन्फो, GPU इन्फो एंड बेंचमार्क चला के स्नैपशॉट ले लेना है। इसके अलावा आप सिनेबेंच R15, R20, फायर स्ट्राइक, सुपर पोजिशन एंड अपने फेवरेट गेमिंग बेंचमार्क्स का भी स्नैपशॉट लगा सकते हो। एंड फाइनली अपने पीसी के डिटेल्स को उस फॉर्म में भर दो। बस इतना ही था। इसके अलावा अगर कोई भी वीडियो फाइल है तो तुम लोग अपने गूगल ड्राइव पे डाल के शेयर कर देना। पीसी मास्टर रेस इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जितना जल्दी हो सके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमिंग बैक टू द वीडियो, जो लीक सामने आया है वो है यूजर बेंचमार्क वेबसाइट पे, एंड उसके ऊपर एक एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड जिसका कोड नेम है 10DE1304। इस ग्राफिक्स कार्ड को बेंचमार्क किया गया है इंटेल कोर i9 9900K के साथ एंड साथ ही 16GB की मेमोरी के साथ। तो जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कुछ डिटेल सामने आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो आप लोग देखो, ड्राइवर जो है दैट इज 419.72, यानी कि 419.67 के बाद का ड्राइवर है, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है एनवीडिया की तरफ से फॉर द नॉर्मल पब्लिक। सेकेंड जो चीज है, इसका जो रैम है दैट इज 7.5 GB। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये 7.5 GB एंड प्रोडक्ट तक आते आते रहेगा। इट मे बी 8 GB और इट मे बी 6 GB एज वेल, वो हमको देखना पड़ेगा। एंड मेमोरी का जो स्पीड है दैट इज 3150 MHz, 6300 MHz, विच इज नॉट वेरी गुड। हाउएवर इसका मेमोरी क्लॉक जो है दैट मे बी अ GDDR5X मेमोरी। एंड जो क्लॉक स्पीड्स हैं दैट इज नॉट वेरी हाई, दैट इज 1590 MHz अपने स्टॉक कॉन्फिगरेशन में। सो दिस इज लोअर देन बोथ RTX 2070 एंड RTX 2080। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में गाइस। तो परफॉर्मेंस में जब हम इसको कंपेयर करते हैं RTX 2070 से, ये जो है बेहतर परफॉर्म करता है RTX 2070 से, जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। बेंचमार्क जो है वो डिपेंडिंग ऑन द बेंचमार्क जो चल रहा है उसके ऊपर से एक किसी में फास्ट है एंड दूसरा किसी में। हाउएवर ओवरऑल की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल RTX 2070 से ये फास्ट है, एंड टोटल अभी तक के ग्राफिक्स कार्ड्स के लिस्ट में ये इसका रैंक एंड RTX 2070 का है रैंक 12। नेक्स्ट बात करते हैं RTX 2060 6GB वर्जन से, एंड इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये कार्ड काफी फास्ट है, यानी कि इफेक्टिव 3D स्पीड या गेमिंग स्पीड जो है दैट इज 107% के मुकाबले 139%। सो इट इज क्वाइट फास्टर देन द RTX 2060 एंड बाकी के जितने भी बेंचमार्क्स हैं, पैरेलैक्स, एमरेंडर, ग्रेविटी, स्प्लैटिंग, इन सब में बेहतर परफॉर्मेंस किया है मोर देन 20% और अबव। फाइनली जब हम इसको बात करते हैं RTX 2080 से, तो RTX 2080 से ये स्लो है एंड इसका ओवरऑल रैंक जो है वो 7th के बजाय 10th है। हाउएवर जो टोटल परसेंटेज ऑफ डिफरेंस है दैट इज अराउंड 9%, एंड ये यही बता रहा है कि ये जो कार्ड है इट विल बी समवेयर बिटवीन RTX 2080 एंड RTX 2070। एंड बिकॉज AMD अपने नए कार्ड्स यानी कि नावी जो कि 7 नैनोमीटर प्रोसेस पे बने उसके ऊपर काफी हाइप बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था एनवीडिया के लिए कि वो अपना 31-32,000 से लेकर 50,000 के बीच में भी एक ग्राफिक्स कार्ड उतारे जो कि 40,000 के प्राइस लिमिट को हिट करे कहीं ना कहीं। एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फिगरेशन व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड हियर इज नंबर ऑफ कूडा कोर्स का तो आई एम नॉट वेरी श्योर। हाउएवर द VRAM इट शुड बी अराउंड 8 GB, एंड बिकॉज इसको परफॉर्मेंस को रोकना है बिटवीन RTX 2070 एंड 2080, तो हो सकता है इसके अंदर हमको DDR5X मेमोरी भी मिले, विच इज आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज क्लॉक स्पीड्स कम थे। दैट इज अ चांस बिकॉज उन्होंने GTX 1070 Ti के साथ भी यही किया था, मेमोरी जो है दैट वॉज द लिमिट इन दैट। तो गाइज आई थिंक ये लीक काफी इंटरेस्टिंग था बिकॉज इफ इट कम्स एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 35-36,000 एंड हमको RTX 2080 के आसपास का परफॉर्मेंस मिलता है विद टेंसर कोर्स एंड RT कोर्स, सो बहुत
बहुत ही अच्छा डील रहेगा। लेट अस सी हाउ इट कम्स अप, बिकॉज ये एक इनिशियल लीक है तो बहुत ज्यादा चीजें सामने नहीं आई हैं। हाउएवर समथिंग इज कुकिंग एंड वी विल बी वेटिंग फॉर दैट। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब बेल आइकन Amazon लिंक फॉर शॉपिंग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आपको मेरे दोनों चैनल PCMR इंडिया एंड प्रोफेसर टेक इंडिया दोनों चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।